अरे श्रामिक भाइयों और बहनों, किसान देश का अन्नदाता है तो श्रामिक और कामगार देश का राष्ट्र निर्माता। हर देशवासी को असीम दर्द हुआ जब हजारों श्रामिक भाइयों और बहनों को सैकड़ों किलोमीटर भूखे प्यासे मजबूरी में पैदल घर वापस जाते देखा। मुझे मालूम है कि आज भी देश के अलग अलग कोनों में लाखों श्रामिक भाई और बहन मुश्किल में फंसे हैं, और कोरोना महामारी के इस समय में घर वापस जाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। साधन और पैसा तो दूर की बात है, पूरे राशन तक की व्यवस्था नहीं, और न ही लॉकडाउन की इस घड़ी में काम का कोई इंतजाम। आए दिन जब देश के अलग अलग कोनों से उठ रही है हमारे श्रामिक भाइयों और बहनों की आवाज और पीड़ा को हम सब सुनते देखते हैं, तो लगता है कि यह आवाज परिवार के एक सदस्य की है, यह आवाज एक माँ की है, एक पति की है, एक बेटे की है, जो अपने बच्चों पत्नी माँ बाप तक पहुँचना चाहता है। इस पुकार ने सचमुच हम सबका दिल छुआ है। मुझे और हर साथी को यह देखकर और भी पीड़ा उठी होती है कि संकट की इस घड़ी में भारत सरकार और रेल मंत्रालय घर वापस लौटने के लिए रेल यात्रा का किराया और स्पेशल चार्ज वसूल रहे हैं। उम्मीद थी कि दाम में आए हजारों करोड़ रुपए पर पहला अधिकार हमारे राष्ट्र निर्माताओं का होगा, और इस पैसे का इस्तेमाल आप सबको सुरक्षित और निशुल्क रेल यात्रा के लिए सबसे पहले किया जाएगा। पीड़ा यह भी है कि ऐसा हुआ नहीं। ये विकट हालात देखकर कांग्रेस पार्टी ने निर्णय लिया कि हर प्रदेश में जरूरतमंद श्रमिक भाइयों और बहनों के घर लौटने की रेल यात्रा का खर्च उठाएंगे। मैं उम्मीद करती हूं कि आप सब जल्दी से जल्दी अपने प्रियजनों के पास पहुंच पाएंगे। महात्मा गांधी ने कहा था कि खुद को खोजने का सबसे अच्छा तरीका है खुद को दूसरों की सेवा में खो दो। सेवा का यह संकल्प ही हमारे श्रामिक भाई और बहनों को उनके घर तक सुरक्षित वापस पहुंचाने की हमारी प्रेरणा है। इस कर्तव्य को हम मजबूती से निभाएंगे। जय हिंद।